बड़ा नेक्स्ट टॉपिक ये पीएच ऑफ द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस है। अगर मेरे पास कंसेप्ट दे दिया कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आ गए या स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ गए, तो बेटा याद रखो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब लेट अस से हमारे पास एक बीकर है बेटा, उस बीकर में मोलैरिटी ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दिए, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिए बेटा, दूसरा बीकर है एसिड भी वही होगा, अब उसकी मोलैरिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी पर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो जब भी आपको पीएच का टर्म निकालना है ना बेटा, मोलैरिटी का सबसे पहले कन्वर्ट करा लेना है नॉर्मेलिटी में। क्यों मतलब, अगर मैं एसिड्स की बात करूँ तो आती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, बेटा एच प्लस इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस ही है। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला एच प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस है, मतलब इनडायरेक्टली बेटा वो उस एच प्लस की नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं। तो बेटा आपको ये पहले मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी में। और हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो सकती है बेटा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने यहाँ से नॉर्मेलिटी कन्वर्ट करा लिया, मुझे मालूम होगी इसकी नॉर्मेलिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, इसकी नॉर्मेलिटी 2 है और वॉल्यूम 2 है, दोनों के दोनों एसिड्स ही है बेटा। अब दोनों एसिड को मिला लो तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिक्सचर, ऑब्वियसली बेटा एसिड को एसिड में डालो तो मिक्सचर इज ऑल्सो बिकम व्हाट, एसिड्स। तो ये एसिड किसकी है, रिजल्टिंग मिक्सचर है ना बेटा, तो आप निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। बेटा ये नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, और ये एसिड है इसलिए मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बोलूं बेटा, एच प्लस। इट इज इक्वल टू व्हाट, N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। जो भी निकालोगे वो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर होगी बेटा। नेचर में आपका ये सॉल्यूशन का जो नेचर एसिडिक है, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आएंगी। और आप सब जानते हो कॉन्सेंट्रेशन प्लस ऑफ एच प्लस आ जाए तो आप पीएच निकाल सकते हो। कैसे बेटा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इज इट क्लियर, बना लो इसे बेटा। ये जो मैंने आपको बताया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच कैसे निकालते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल यहीं पे दे रहा हूँ आपको। अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक एसिड है, लेट अस से भाई यहाँ पर जो मेरे पास एसिड है वो HCl वाली एसिड है, तो दूसरी वाली भी एसिड ही होंगी, वो भी कितनी होगी बेटा, ऑब्वियसली वो भी एसिड HCl ही है। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने देखा 0.2 मोलार थी और इसकी वॉल्यूम थी बेटा 100 ml। दूसरी HCl है लेकिन उसकी मोलारिटी 0.4 मोलार थी और बेटा इसकी वॉल्यूम थी 300 ml। तो देखो एसिड एसिड सेम है, मोलैरिटी चेंज होगी उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, एसिड हो या बेस हो सबसे पहले आपको उसकी नॉर्मेलिटी देखनी है। तो बेटा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, आप बोलेंगे मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा इसकी जो मोलैरिटी 0.2 थी तो मैं नॉर्मेलिटी लिखूं कितनी आएंगी, 0.2 इनटू वैलेंसी फैक्टर 1, बिकॉज HCl में एक ही H+ जाता है। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा, 0.2। वॉल्यूम कितनी है इसकी, 100 ml। अब ये वाली एसिड जो है इसकी नॉर्मेलिटी N2 कितनी आएंगी, 0.4 इंटू 1 बेटा 0.4 ही होगी। वॉल्यूम V2 कितनी आ रही, 300 ml। और जब आपने इन दोनों को मिला लिए तो आपको क्या आएगा बेटा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। और ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का नेचर क्या है बेटा, अभी एसिड ही है। तो आप जो निकालोगे इट इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, लिखो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिड है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। बोलो भाई पॉइंट, N1 कितनी है 0.2, V1 कितनी है 100 इंटू 100, N2 कितनी है बेटा 0.4, V2 कितनी है 300, V1 बाय V2 100 प्लस 300। बेटा 0.2 इंटू 100 करा लो कितनी आती 20, प्लस 0.4 इंटू 300 करा लो जीरो कट के कितने आ रहे 120, बाय कितनी आ रही 400, ये कितनी आ रही बेटा 140 बाय 400, 0 0 कैंसल 2 7 2 20। सॉल्व करा लो, ये उसकी नॉर्मेलिटी आ गई। मतलब व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, 7/20। भाई 7/20 7/21 भी करा लिए तो 1/3 हो जाती है ना बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 1/3, 1/3 मतलब 0.333 कुछ तो आएगी। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर आएगा 0.333 नॉर्मल बेटा, ये एसिड है मतलब एच प्लस है। आपको एच प्लस की वैल्यू 0.3 आ रही तो आप पीएच निकाल सकते हो भाई, यस सर,
कैसे, ये देखो ये रूल है ना भाई, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू 0.333 कैन बी रिटन एज 3.3 × 10⁻¹. डायरेक्ट फॉर्मल लगा लो, पी एच इक्वल टू 10⁻⁶ बाहर माइनस लॉग नंबर के साथ अंदर, भाई पी एच इज इक्वल टू 1 हो गई, लॉग 3 की वैल्यू कितनी थी 0.4770, भाई 4770 को 4.48 लिख देता हूँ और देखो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचता, 0.52 इज द पी एच ऑफ दिस सॉल्यूशन। हाँ बेटा पी एच ऑफ द एसिड 0 भी रहती है 1 भी रहती है, तो ये नहीं हो 0 से तो बढ़ के आ ही गई ना, इज इट क्लियर बेटा, बना लो इसे। केस 2 देखो बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब हमारे पास एक बीकर है, बीकर में बेस है बेटा, बीकर में दिया है बेस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन M1 है, उसकी वॉल्यूम V1 है बेटा, वही वाला बेस दूसरी बीकर में भी है, बेस वही है, NaOH है तो NaOH, KOH है तो KOH, वही बेस है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके कंपेयर में थोड़ी चेंज हो गई। तो आपको जब भी बताया ना बेटा, जब इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो आपको नॉर्मलिटी या जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन और बेस आएंगी वो डिपेंड करती है नॉर्मलिटी पे। तो पहला काम है मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो भाई, N1V1, इसकी मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो N2V2। सर ये दोनों को मैंने एक बड़े से बीकर में डाल दिया, अब बड़े से बीकर में जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या है, बेसिक, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो उसको बोला जाता है बेटा नॉर्मलिटी ऑफ वॉट रिजल्टिंग मिक्सचर्स। भाई बेस को बेस में डालो तो बेस ही होगा, और नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर आप H प्लस लेते हो कि OH माइनस, इट बिकम OH क्योंकि बेस है ना बेटा, OH माइनस लेते हैं, एंड इट इज इक्वल टू दोनों बेस थे N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2, ये मिला लिए। अब वैल्यू डाल लो, आपको OH माइनस आएगा बेटा, OH माइनस से सबसे पहले आप क्या निकालोगे POH, और POH के बाद आप क्या निकालोगे बेटा PH, कैसे 14 माइनस POH, इज इट क्लियर, बना लो बेटा, इसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बेटा। ये थर्ड है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, लेट अस से मेरे पास दो दो एसिड है भाई, एक HA वाली है और एक HB वाली है, मतलब ये भी एसिड है वीक एसिड, ये भी एसिड है वीक एसिड, दो दो वीक एसिड है, और दोनों वीक एसिड को मैं मिला लूँ, मिलाने के बाद जो मुझे आएगा दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड करके आएगी बेटा, उस मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स की मुझे पूछा गया भाई पीएच कितनी है, हाउ टू गेट द पीएच, तो इसका निकालने का एक रूल है, सुनो कैसे। हमारे पास जो एच ए वीक एसिड थी, वीक एसिड है बेटा, जब इसे मैंने आयनाइज किया तो मुझे आ गया एच प्लस और ये आ गया ए माइनस, तो सर दूसरी वीक एसिड जो एच बी थी उस वीक एसिड को भी मैंने आयनाइज करा तो व्हाट आई गॉट द एच प्लस आयन एंड बेटा बी माइनस आयन। अब एक काम करो ना, लेट अस से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है भाई, इसकी C2 है, तो यहाँ 0 0 और यहाँ भी 0 0। अब आपको याद है सी में से सी अल्फा गया तो भाई C1 में से C1 अल्फा 1 गया, ऐसी था ना, सी में से क्या गया था सी अल्फा, तो C1 में से कितनी जाएंगी बेटा C1 अल्फा 1, भाई C1 अल्फा 1 यहाँ से गया तो C1 अल्फा 1 यहाँ बनेगा, C1 अल्फा 1 यहाँ बनेगा। अब देखो C2 में से क्या जाएगा, C2 अल्फा 2 जाएंगे, वैल्यू तो चेंज करनी है ना मेरे को भाई, जितनी गई H प्लस बी उतनी ही बनी, बी माइनस बी उतनी ही बनी बेटा। आपको क्या होना, पीएच ऑफ दी एसिड्स होना, पीएच ऑफ एसिड में मुझे H+ की जरूरत पड़ेगी, ए माइनस बी माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन दोनों को मिला लो, व्हाट इज दैट, ऑन मिक्सिंग बेटा, ऑन मिक्सिंग बोथ दी सॉल्यूशन और बोथ दी वीक एसिड्स, तो बेटा दोनों को मिला लिए तो मुझे जो आएंगी दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ द मिक्सचर आएंगी, और वो क्या आएंगी बेटा, पहली वाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो मेरे ये वाले एसिड से आ रही है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस बेटा ये वाली एसिड से आ रही, मतलब एच प्लस मेरे एच ए से आ रही, एच प्लस मेरी एच बी से आ रही। अब आप बताओ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस फ्रॉम एच ए, आई शुड से बेटा इट इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 और इसकी वैल्यू C2 अल्फा 2, ये आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड आ रही, इट इज ए वीक एसिड। बेटा इसको ऐसे लिख दो ना, कभी कभी क्या करता है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन फ्रॉम बोथ द एसिड इज इक्वल टू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू। बेटा अगर अल्फा दे दिया वैल्यू डाल दिए, अल्फा नहीं दिया उसके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट दिया तो क्या करते हैं बेटा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के वन इंटू सी वन प्लस अंडर रूट ऑफ के टू इंटू सी टू। वॉट विल गेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एच प्लस आयन ऑफ द वीक एसिड। भाई एच प्लस आ गया तो डायरेक्टली आप पी एच भी निकाल सकते हो। यू नो हाउ, एच प्लस अगर आ गया तो पी एच निकालने का ये फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं लिख के दिया था पी एच इज इक्वल टू वन बाई टू पी के ए माइनस वन बाई टू लॉग सी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एच प्लस भी आ गया ना, डायरेक्टली ये एच प्लस को इस पी एच में निकाल लो आपको वैल्यू आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अगर आ गया तो आप पी एच निकाल सकते हो, कैसे, पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस की वैल्यू डाल दो आपको पी एच ऑफ द वीक एसिड आ जाएगी। और ऑब्वियसली वीक एसिड की वैल्यू 4 या 4 से बढ़ के रहेगी बेटा, क्योंकि मैंने वहाँ आपको रूल में लिखा के दिया था 0 से लेके 3 और 3.5 तक आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, 3.5 से लेके 6.9 तक वीक एसिड होती है और 7 वाली न्यूट्रल। बेटा ये केस मैंने जो वीक एसिड के लिए दिया ऐसी मैं वीक बेस के लिए भी दे सकता हूँ, और डायरेक्टली उसमें क्या लिखूंगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इक्वल टू सी वन। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ फॉर मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, दो अलग अलग बेसिस है भाई, एच प्लस की जगह मैं क्या लिखूंगा ओ एच माइनस ऑफ द मिक्सचर, दैट इज इक्वल टू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, के वन सी वन प्लस के टू सी टू, दोनों को किस में डाल दिया रूट, ओ एच माइनस आ गया आप पहले पी ओ एच निकालोगे, और पी एच आ पी ओ एच आ गया फिर बेटा आप पी ओ एच निकालोगे पी एच निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच की स्केल से। मतलब ये दोनों फॉर्मूले जो है अप्लीकेबल फॉर व्हाट बेटा, वीक बेसिस एज वेल एज फॉर द वीक एसिड। ये था एक्सप्लेनेशन, काम का हमारा ये है एच प्लस इक्वल टू सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू, एंड एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के वन सी वन प्लस अंडर रूट ऑफ के टू सी टू। यहाँ से एच प्लस आ गया पी एच आ जाता, यहाँ से सेम वे ओ एच माइनस को डालो आपको ओ एच आ गया पी ओ एच निकाल सकते हो, एंड फ्रॉम पी ओ एच वी कैन फाइंड आउट पी एच। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा अभी। बेटा ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है, देख लो ये दो क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो अभी के कंसेप्ट से कि पी एच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एच सी एल है, स्ट्रॉन्ग एसिड एच एन ओ थ्री है। भाई एच सी एल एच सी एल हो सकता, एच सी एल एच दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, और एच सी एल की पी एच दिया 2, एच एन ओ थ्री की पी एच दिया 3, और एच सी एल की वॉल्यूम और एच एन ओ थ्री की वॉल्यूम दे दिया 200 300, और दोनों को मिक्स कर दिए। करने के बाद बोल रहा कि वॉट इज़ द पी एच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, आंसर भी दिया बेटा 2.34। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, और ट्राई मैं भी कर रहा हूँ। देखो अब दोनों एसिड से आपको पी एच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर पूछ रहा है, तो आप जानते हो इट इज़ अ नॉर्मलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होती है। बट इट इज इक्वल टू वॉट इज दैट, कि नॉर्मलिटी ऑफ द एच सी एल बट इन टू वॉल्यूम ऑफ एच सी एल प्लस नॉर्मलिटी ऑफ एच एन ओ थ्री इन टू वॉल्यूम ऑफ एच एन ओ थ्री बेटा बाय वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट इज एच सी एल प्लस वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट इज एच एन ओ थ्री। अब सर ये नॉर्मलिटी नहीं दिया है, पी एच दिया है, हम सब जानते हैं भाई पी एच अगर एच सी एल का देता है दैट इज इक्वल टू 2, इंडिकेट दैट इट इज़ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, दैट मीन्स इट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ एच प्लस, उसकी वैल्यू 10^-2 है। और वैसे ही बेटा वॉल्यूम ऑफ एच सी एल भी मेंशन करके रखा है, देख लो दैट इज़ कितनी आ रही 200 ml। और उसी तरह से बेटा पी एच ऑफ एच एन ओ थ्री अगर देता है तो एच एन ओ थ्री एसिडिच है दैट इज इक्वल टू 3, मतलब इट इज़ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एच एन ओ थ्री, और वो आती है 10^-3। और यहाँ पर आपको नॉर्मलिटी ऑफ आई मीन वॉल्यूम ऑफ एच एन ओ थ्री भी दे दिया है, और वो दिया है बेटा इट इज़ इक्वल टू 300 ml। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ को, ये दो वैल्यू को फॉर्मूले में डालो आपको क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ एच सी एल, देखो 10^-2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एच सी एल कितनी आ रही 200 प्लस नॉर्मलिटी ऑफ एच एन ओ थ्री, बेटा ये रही नॉर्मलिटी ऑफ एच एन ओ थ्री कितनी 10^-3 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड कितनी है बेटा 300 बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड एच सी एल कितनी है 200 प्लस वॉल्यूम ऑफ एच एन ओ थ्री
300, बट अगर 10 की पावर माइनस टू मतलब 1/100 होता, 0 0 कट गए 2, 10 की पावर माइनस 3 मतलब 1/1000 होता, 300/1000 दो जीरो कट गए 3/10.3 बाय, ये मिला लो बेटा 500, ये आ रही 2.3/500, राइट सर। 2.3/500 को मैं ऐसे लिखूं 23/5 × 1/1000, बिकॉज ये पॉइंट नीचे आ गया बेटा, 5 4s are 20.6, तो मुझे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस की वैल्यू आ रही है 4.6 × 10^-3। मैंने आपको इसे एक रूल सिखाया था, क्या pH इज इक्वल टू 10^ बाहर लिखो माइनस नंबर को लॉग के अंदर लिखो, दैट मीन्स अब मैं लगा दूँ 3 माइनस बेटा लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, अब 4.6 है तो 0.6020 को बजाय 0.64 या 66 करा लो, और 3 में से 0.66 गया तो आ रही 2.34, hence the answer of this one is equal to what बेटा, pH is equal to 2.34, right? ये first वाले का था, आप इसे लिख लो बेटा, मैं second वाला भी यहीं पे बना के देता हूँ। बेटा second question ये दिया है, 2 weak monobasic acid है, मतलब ये दोनों के दोनों acid है लेकिन weak acid है, मैंने वहाँ पर HAHB करके mention किया, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार 0.05 मोलार, दे आर मिक्स टुगेदर, वी गॉट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, क्योंकि एसिड है ना, एसिड को मिलाओगे तो एसिड ही चाहेगी। अब उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा है, जहाँ पर आपको डिसोसिएशन कॉन्सेंट ऑफ वीक एसिड एच ए की वैल्यू दिया और डिसोसिएशन कॉन्सेंट ऑफ वीक एसिड दूसरी वाली एच बी की वैल्यू दिया, तो डिसोसिएशन कॉन्सेंट ऑफ दोनों एसिड्स की वैल्यू दे दिया है और पीएच पूछ रहा है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बेटा, मैंने बताया था व्हेनेवर वी आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ द वीक एसिड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड इट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट C1α1 + C2α2, बट अल्फा नहीं दिया तो लिखते हो √K1C1 + √ क्या आएंगी बेटा K2C2। अब देखो √K1 मतलब पहली वाली जो एसिड थी मेरी वो एच ए को ले रहा हूँ 1 और दूसरी वाली एसिड एच बी को ले रहा हूँ 2, तो व्हाट इज ए K1 वैल्यू, देखो बेटा यहाँ पर मैं बोलूँ इसको देखिए, K1 की वैल्यू 8 × 10^-4 है, C1 कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 बाई HB, दैट इज K2 जो मेरी आ रही है, लेट अस से K2 इक्वल टू 1.6 × 10^-4 और वो HB की कॉन्सेंट्रेशन C2 थी 0.05। बेटा ये वैल्यू को फॉर्मूले में डालो तो K1 जो आ रही है 8 × 10^-4 इंटू C1 आ रही है 0.01, बेटा K2 जो आ रही है 1.6 × 10^-4 और C2 आ रही है 0.05। बेटा यहाँ पर देखो मुझे आ रही है 8 × 10^-6 −2 − 4 − 6 और यहाँ पर देखो बेटा 16 × 5 = 80 बेटा, तो यहाँ रफ में लिख रहा हूँ 80 × बेटा ये आ रहा 1/10, ये 1/100 तो 80/1000 ये कट गया 8/100 बेटा, 8/100 को मैं लिखूँ 8 × 10^-2 और −4 ये भी आ गई, उतनी सॉल्व कर लो उतना ही आता, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँ, व्हाट इज दैट √8 × 10^-6 ले लो बाई AB1 + AB1 मिला लो 2 × √8 × 10^-6 बेटा, ये जो मुझे वैल्यू आ रही है इट इज़ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/√8 मतलब 2√2 √10^-6 बिकम 10^-3 मतलब कितनी आ रही 4√2 × 10^-3 बेटा 4 × 1.414 × 10^-3 मतलब जानते हो √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, सर मैंने 1.4 ही लिखा, क्या करते 414 को, तो 4 × 4 = 16 5.6 × 10^-3 जो आ रही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और आपको मालूम बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस अगर आ गया तो पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू 10^ बाहर माइनस नंबर लॉग के अंदर, लॉग की वैल्यू कितनी बेटा लॉग 5.6 बन गई। अब देखो यहाँ पर लिखो पीएच इज इक्वल टू 3 माइनस,
बेटा लॉग फाइव की वैल्यू आपको याद होगी 0.7। अब 0.7 से थोड़ा बढ़ के ले लो भाई, लॉग फाइव की वैल्यू 0.699 मतलब 0.7, 0.7 से थोड़ी बढ़ के ले लो, मैं लिखता हूँ 0.7776 ले लो भाई, 0.76 मतलब कितनी आ रही 2.34, कुछ भी चलता, 76 ले लो, 71 ले लो, 72 ले लो, कुछ भी ले लो, बट 7 से थोड़ी बढ़ के लेना। मैंने 76 लिया, पीएच मुझे आ रही 2.34, और देखो बेटा इसकी भी आंसर दे रही है 2.3 और 2.34। सो दिस इज द फॉर्मूला, और दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस फॉर मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। अगर वीक बेसिस बोले ना बेटा, एच प्लस की जगह ओ एच माइनस लगा लो, सॉल्व कर लो, आपको यहाँ एच प्लस आता, एच प्लस से पी एच, सॉरी ओ एच माइनस आता, ओ एच माइनस से पी ओ एच आता, और पी ओ एच से फिर पी एच आता, 14 माइनस पी ओ एच करा लो, पी एच ऑफ द सोल्यूशन विल गेट इट। तो अभी तो मैंने दिया आपको मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, बना लो इसे बेटा। अब रीडिंग लगा दो, पी एच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके मैं कुछ केसेस बनाता हूँ। केस नंबर वन भाई, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड। अगर आपके नॉर्मलिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस से अगर सेम है तो मैं बोलूँ सॉल्यूशन का नेचर आ गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन जो भी होते हैं उसकी पीएच वैल्यू होती है इक्वल टू 7। बेटा केस नंबर टू लगा दो। केस नंबर टू ये भी हो सकता है भाई, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड जो आप लिख रहे हो, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो लिख रहे हो सकती है एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपके बेस की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो, और जब दोनों को मिला लिए तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। हमारा जो सॉल्यूशन आएगा उसकी नेचर क्या आएगी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ए एसिडिक। बना तो सॉल्ट बट उस सॉल्ट का नेचर बन गया एसिड, और जब एसिडिक मिलता है तो ऑब्वियसली आप जो निकालोगे यू आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड में से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस को निकाल लो, दैट इज एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। बड़ा एच प्लस आ गया, पी एच भी आ जाएंगे। केस थ्री ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, केस थ्री में इसका एग्जैक्टली उल्टा, बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस से कम हो, मतलब बेस की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसमें जो सोल्यूशन मिलेगा एंड दिस सोल्यूशन विच वन विल गेट, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या आएंगी बोलो बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूशन आएंगी बेसिक। बेसिक मतलब आप जो निकालने वाले हो नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन बेटा वो ओ एच माइनस होगी, याद रखना। अब उसमें से एन बी वी बी में से मैंने एन ए वी ए को माइनस करा लिया बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस से, तो मुझे जो ओ एच माइनस आएगा वहाँ से मैं निकालूंगा पी ओ एच, और पी ओ एच से मैं निकालूंगा पी एच। तीन केसेस हैं, ये नोट डाउन करो बेटा, इसके एग्जाम्पल्स मैं अभी यहीं पर करा के देता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन कैसे दिया है, एसिड की मोलैरिटी 0.1 दिया, वॉल्यूम 300 ml दिया है, NaOH की मोलैरिटी 0.1 दिया, वॉल्यूम 200 दिया, और pH पूछा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, एसिड में अगर आपको मोलैरिटी दे दें, लेट अस से बेटा इट इज़ अ मोलैरिटी ऑफ एसिड, तो आपका सबसे पहला काम है कि इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करा लो, और जानते हो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू गिवन मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बेटा, HCl ही की H प्लस देगा 1, तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड आ रही 0.1 नॉर्मल। अब उसने वॉल्यूम ऑफ एसिड भी दे दिया कितनी बेटा 300 ml, फिर बेटा मोलैरिटी ऑफ बेस दिया है कितनी दिया 0.1, उसको नॉर्मलिटी ऑफ बेस में कन्वर्ट करा लो, गिवन मोलैरिटी इनटू बेस एसिडिटी ऑफ दिस NaOH, बेटा एसिडिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस कितने हैं 1, तो भाई 1 डाल दो 0.1 नॉर्मल, बट वॉल्यूम ऑफ बेस दी कितनी है 200 ml, और दोनों को मिलाने से पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज द NaVA वैल्यू। बेटा NaVA 0.1 इंटू 300 है, और NbVB की वैल्यू भी 0.1 इंटू 200 है, सॉल्व करो बेटा ये आ रही 30 और ये आ रही 20, किसकी वैल्यू बढ़ कर है NaVA, तो NaVA की वैल्यू NbVB से अगर बढ़ के आ रही है इसका मतलब नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गई एसिडिक। एसिडिक में क्या निकालते हो भाई H प्लस, दैट इज इक्वल टू किसकी वैल्यू बढ़ी है NaVA, किससे NaVA सॉरी किससे बेटा NbVB से, ये NbVB है बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस,
अब NaVA की वैल्यू कितनी आ रही है 30 में से 20 बेटा VA वॉल्यूम ऑफ एसिड देख लो 300 और वॉल्यूम ऑफ बेस देखो 200 दैट इज इक्वल टू 10/500 बेटा 1/5 0.2 0.02 2×10^-2 इज अ वैल्यू ऑफ H+ मुझे यहाँ पर आंसर आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू आ रही है 2×10^-2 मतलब pH इज इक्वल टू 10^ बाहर माइनस नंबर ये वाले लॉक को अंदर बाई 2 में से 0.3010 गया 1.7 इज pH ऑफ द विच वन बेटा सॉल्यूशन मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस राइट बना लो इसे बेटा यहाँ पर ये दिया है 0.5 molar HCl है 200 ml है और 0.05 molar barium hydroxide 300 ml है दोनों को मिला के pH पूछ रहा है तो पहले एक काम करेंगे बेटा मोलैरिटी ऑफ एसिड जो है ना आपकी मोलैरिटी ऑफ एसिड जो है 0.5 दी है इसको नॉर्मलिटी ऑफ एसिड में कन्वर्ट करा लें 0.5 × इसकी बेसिसिटी बेटा 1 inch है और वॉल्यूम ऑफ एसिड दी गई है 200 ml तो मैं काम कर लूँ भाई पहले NaVA की वैल्यू निकाल लेता हूँ 0.5 × 200 दैट इज 5/10 जीरो कट गया 100 फिर बेटा नॉर्मलिटी ऑफ बेस बना लेंगे आपको देखो मोलैरिटी ऑफ बेस कितनी दिया 0.05 आप इसको नॉर्मलिटी ऑफ बेस में कैसे बनाओगे बेटा गिवन मोलैरिटी इनटू देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड में वैलेंसी फैक्टर कितनी है 2 तो बना लो बेटा ये आएगी 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस दी गई है 300 ml तो मैं करा लूँ NbVb की वैल्यू आती है दैट इज 0.1 × बेटा 300/10 मिला लो 30 भाई 30 बड़ा है या 100 बड़ा है 100 तो मैं बोलूँ नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड की वैल्यू बढ़कर है NB और VB से तो मेरा नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली कैसा आएगा एसिडिक मतलब मैं सीधा H+ से काम करूँगा OH- नहीं भाई व्हाट इज दैट NaVA की वैल्यू बढ़ी है उसको मैंने NbVb से माइनस करा लिया बेटा NaVa − NbVb बाय VA + VB अब देखो NaVa की वैल्यू कितनी है बेटा 100 NbVb की वैल्यू है 30 भाई VA कितनी आ रही 200 और VB कितनी आ रही 300 सही है दोनों को मिला लो ये आती 70/500 7/5 भाई 7/5 × 1/10 करता हूँ 7/5 5 × 1 = 5 राइट 24×10^-1 मुझे यहाँ पर H+ की वैल्यू आ रही बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 1.4×10^-1 भाई pH तो डायरेक्ट निकाल लो 10^ बाहर माइनस नंबर को लॉग के अंदर मैं लेता हूँ बेटा 1 - लॉग 1 की वैल्यू 0 लॉग 2 की वैल्यू 0.30 बेटा 0 और 0.3 के बीच में अच्छा नंबर 0.2 लग रहा 0.8 है इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इट क्लियर बराबर बेटा इसे बेटा ये सवाल देखो 0.5 molar एन ए वे 100 ml 0.05 molar सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी 100 ml मिला लो व्हाट इज द pH तो मैं काम करता हूँ भाई नॉर्मलिटी ऑफ बेस बना लो तो देखो गिवन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 1 इट इज इक्वल टू 0.1 वॉल्यूम ऑफ बेस निकाल दिया दैट इज इक्वल टू 100 क्योंकि बेस ही दिया ना तो मैंने यहाँ पर NbVb की वैल्यू निकाला बेटा NbVb 0.1 × 100 दैट इज इक्वल टू 10 फिर दूसरा एसिड दिया बाय नॉर्मलिटी ऑफ एसिड गिवन मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है 2 लगा दो भाई 2 तो आएगी 0.1 और वॉल्यूम ऑफ एसिड कितनी है 100 अब आप एक काम करो सर NaVA की वैल्यू निकालो 0.1 × 100 बेटा ये भी आ रही 10 दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो मैं जानता हूँ व्हेनेवर NaVA इज इक्वल टू NbVb आती है बेटा इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल और न्यूट्रल में सॉल्व नहीं करते भाई डायरेक्टली pH इज इक्वल टू कितनी होती 7 एनी डाउट बेटा तो मैंने आपको पूरे कंसेप्ट करा के दिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के या तो NaVA ग्रेटर देन NbVb है तो नेचर एसिडिक बेटा NbVb ग्रेटर है NaVA से तो नेचर इज बेसिक तो बेस में pH की वैल्यू 7 से बढ़ के रहती है एसिड में pH की वैल्यू less than 7 रहती है
और ये एग्जांपल जो मैंने दिया इट इज बोथ आर इक्वल, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7, राइट बेटा? थैंक यू वेरी मच.